इट्स अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट. थैंक यू सो मच. अक्षय साहब, एक सवाल थोड़ा सा फिल्म से हटके, आपके दोस्त से जुड़ी हुई है, हनी सिंह के साथ आपका काफी ज्यादा राबता रहा है, कहाँ है वो आजकल? कुछ आपसे राबता है, कुछ बातचीत हो रही है, क्योंकि काफी दिनों से वो सीन में नहीं है. इसके बाद मैं आपको बताऊंगा. नीरज, श्वेता बोल रहा हूँ एबीपी न्यूज से, आपके राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में. आपसे जानना चाहूंगा कि इस फिल्म को बनाने का मकसद क्या है, वो किस पर्पस के लिए आपने ये फिल्म बनाई है? वेल, देयर वाज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी टू बी टोल्ड, एंड उसके अलावा और कोई पर्पस होता नहीं है फॉर अ स्टोरी टेलर, दैट कि आप उस कहानी को बोलना चाहते हैं. एंड इट सीम लाइक अ फैंटास्टिक आइडिया, लाइक अ फेयरली डूएबल स्क्रिप्ट, सो वी वेंट अहेड एंड डिड द फिल्म. और क्या हम जो माय प्रीवियस फिल्म्स, देयर वाज नथिंग एक्स्ट्रा टू इट. क्या हम वो जो कहानी देख रहे हैं वो बिल्कुल नई है? क्योंकि अभी अक्षय जी ने कहा कि बहुत सारी फिल्में रियलिटी से बहुत सारे अलग अलग चीजें ली गई हैं और उसके बाद ये कहानी बनाई गई है. तो जो कहानी हम अगर हम दाऊद को देख रहे थे, या अगर हमने मसूद अजहर को देखा है, या जकीरुर रहमान लखवी को हमने देखा है, उनके बारे में सुना है, तो ये कहानी सबका मिश्रण लेके कोई कहानी बनी है, या ये किसी ये आप तय करेंगे देखने के बाद. वी वॉन्टेड टू टेल अ स्टोरी, वी हैव टोल्ड अ स्टोरी, बट दिस इज समथिंग फॉर यू टू डिसाइड व्हाट इट इज ऑल अबाउट एंड टू पुट द पीसेस टुगेदर. अच्छा, आपसे एक सवाल है कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे एंटी आपकी हॉलीडे फिल्म आई थी जो लोगों को सेना के बारे में थी, और हाल फिलहाल में रियलिटी में ISIS का बहुत सारा आकर्षण देखने को मिला है और कुछ भारतीय लड़के भी वहां गए थे. तो क्या ऐसे फिल्म देखने के बाद उनके लिए भी कोई मैसेज होगा इस फिल्म में? या बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली. हम सब ने इस ट्रेलर को देख के महसूस होता है कि ये टेररिज्म के ऊपर भी है, तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली इसमें मैसेज भी आती हैं. ये मैं कहूँगा कि ये आप देखिए और इसको मतलब महसूस करिए कि क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं. के ट्रेलर है जिसका लोग महीनों से इंतजार कर रहे थे, आपको नीरज अगर आप भी इसका आंसर दे सके, तो ऐसा क्या था? लोग ट्रेलर देख के फिल्म का वेट करते हैं, बट इस ट्रेलर के लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे थे और ट्रेंड हो रहा था सोशल मीडिया पे, तो ऐसी क्या खासियत है जो लोग इतने एक्साइटेड थे इसके लिए? अच्छा, ऐसी क्या एक अच्छी बात है, कोई अगर ट्रेलर ट्रेंड करता है, लोग एक्साइटमेंट रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है. अब उसका कारण तो मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता, लेकिन एक हो सकता है कि इनकी जो पहली फिल्में हैं, जैसे कि वेनसडे हैं, स्पेशल 26 है, तो लोगों को ये भी लगा होगा कि ये भी बहुत अच्छी होती है फिल्म, ये भी बहुत अच्छी होगी फिल्म, तो इसलिए शायद ट्रेंड कर रही होगी. बहुत सारे और कारण भी होंगे शायद. हमारी 100 फिल्में इनके भी हैं फॉर दैट मैटर. सर 130 सर, तो बहुत सारे कारण होते हैं. और इतनी अच्छी स्टार कास्ट है, और हमारे साथ डैनी साहब हैं जो बहुत चुनी हुई फिल्में करते हैं, और साथ में बहुत बड़े कैमरामैन हैं हमारे साथ, एंड सो बहुत सारे कारण मिल मिला के इस ट्रेंड का कारण हो सकता है. नीरज हियर. नीरज, यू हैव कास्ट अ पाकिस्तानी एक्टर इन दिस मूवी, आई थिंक एज द हेड ऑफ अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, सो वाज इट इजी कन्विंसिंग हिम? वेल, ही रेड द स्क्रिप्ट अगेन एंड डिसाइडेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. देयर वाज नो नथिंग टफ और इट वाजंट टू टाइम कंज्यूमिंग ईदर. उन्होंने अपना पार्ट पढ़ा, उनको पसंद आया, एंड ही एग्रीड टू डू इट.